हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई मेरे को भारती कॉलेज के बारे में भी बताना चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने अभी तक मतलब बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में बता रखा है, तो कई बच्चों ने भारती कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो मैं आपको उसके कॉलेज के बारे में पूरा बताने वाली हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट कॉलेज है और आपको पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेजेस है वो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ही है। अगला है, इसमें जेंडर एक्सेप्टेड है। जेंडर एक्सेप्टेड का मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स अलाउड है, मेल्स कोई भी अलाउड नहीं है एडमिशन प्रोसेस के ड्यूरेशन में। अगला है, इस्टेब्लिश कब हुआ था ये कॉलेज, तो ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 1971 में और यहाँ पे पर ईयर 3013 बच्चे एनरोल करवाते हैं या तो हम कह सकते हैं एडमिशन लेते हैं। अगला है, कैंपस का साइज ये बहुत ही बड़ा है, जो कि 9 acres का कैंपस है ये, और टोटल फैकल्टी यहाँ पे जो है वो है 70 हम कह सकते हैं ज्यादा नहीं है, पर ये हम कह सकते हैं तो कम भी नहीं है। अगला है भारती कॉलेज के बारे में, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1991 में और इसका पहला नाम था एज अ भारती महिला कॉलेज, जो कि दिल्ली का कॉलेज हम कहते हैं उसे, और भारती कॉलेज इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और इसके मतलब जो इसके पास जो जगह है तो वो अकॉर्डिंग जो मेन पूरी है तो वो है 8.6 acres ऑफ लैंड। अगला है, भारती कॉलेज जो है वो एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, जो कि UGC के लिए मतलब कि यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा। अगला एक कोर्सेज हमें बहुत सारे ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम और बहुत सारे कॉलेज यहाँ पे मतलब तो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं आपको। अगला है, यहाँ पे आपकी अगर हम फीस देखें तो बीकॉम वगैरह की आपके पास यहाँ पे फीस होती है बहुत ही कम होती है, जो आप टोटल फीस देखेंगे तो वो है सिर्फ 31 lakh। वहीं अगर हम देखेंगे बीकॉम ऑनर्स के लिए तो वो भी 31 lakh के करीब है, और हम देखेंगे यहाँ पे तो मोस्टली सारे कोर्सेज के यहाँ पे 31 lakh के आसपास ही यहाँ पे अभी पर अगर हम बोले तो पूरे कोर्स की फीस बढ़ जाती है। अगर आपको कोई भी इस कॉलेज से रिलेटेड कोई भी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सबसे आपको पूरा बता दूंगी कि एडमिशन प्रोसेस वगैरह इसका क्या क्या होता है। अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे फैसिलिटीज कैसी हैं। तो बहुत बच्चे कह रहे थे यहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ही कम है, क्योंकि मैंने उन बच्चों ने एडमिशन ले लिया पर उन्हें अभी थोड़ा दुख हो रहा है या फिर वो कहते हैं कि वो हमारे को चेंज करवाना है। मैं आपको पहले बोल दूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी कॉलेज कम या ज्यादा नहीं है। आप सब बच्चे से NRIF की जो रैंकिंग है उसके हिसाब से मत चलो, अपने मतलब खुद देख के चलो कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं। तो हम देख रहे थे यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गर्ल्स का हॉस्टल पूरा प्रोवाइड किया गया है, तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे गर्ल्स का हॉस्टल नहीं है, ये हम कह सकते हैं हॉस्टल ही नहीं है, जिसके आपको पता होगा आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में हॉस्टल्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, जो कि एक दिल्ली का कॉलेज ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का। वहीं अगर आप देखेंगे तो गर्ल्स हॉस्टल का जो कि भारती का है, तो उसमें आपको पूरा मतलब कॉलेजेस में हॉस्टल्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वहीं आपको यहाँ पे जिम्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे और जिम के साथ साथ आपको इंस्ट्रक्टर भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको इंस्ट्रक्टर नहीं भी प्रोवाइड किया जा सकता तो आपको पूरी छूट होगी कि आप कोई भी मशीन वहाँ पे यूज कर सकते हैं। वहीं अगर हम देखें लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम, ये सब सारी चीजें आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, और मेन जो है वो है वाईफाई की। बहुत बच्चे कहते हैं वाईफाई की भाई फैसिलिटीज प्रोवाइड करना जरूरी है, तब देख सकते हैं भारतीय कॉलेज में वाईफाई की पूरी फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। वही अगर हम देखें तो यहाँ पे IT इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और बहुत बच्चों ने इसके बारे में सब कुछ बता रखा है। तो एक बच्चे ने बताया है, इट हैज बीन अ स्पेक्टेकुलर जर्नी, मतलब कि उस बच्चे ने पूरा अपना कम्प्लीट कर लिया है पूरा कोर्स, तो उस बच्चे ने अपने पूरे सब कुछ बारे में बताया है कि उसको कॉलेज उसको कैसा लगता था। तो कैंपस का लाइफ में बताया उसने, मैं कॉलेज इज एन ऑफ कैंपस कॉलेज उसमें बताया, बट स्टिल इट इज अ प्रीटी ग्रेट, मतलब कि आपको बहुत बच्चों को लगता है बहुत ही बेकार कॉलेज है, अच्छा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है और आप देख सकते हैं बहुत बच्चों के रिव्यूज भी इसमें आए हुए हैं। द सोसाइटीज एंड द क्लब्स एनेबल स्टूडेंट टू रिक्वायर एक्सपोजर, तो बहुत बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में मेन इसलिए जाते हैं क्योंकि मैंने उनको एक्सपोजर चाहिए होता है। वही अगर हम देखें तो बच्चों ने मतलब बताया भी भाई उन्होंने कौन कौन से कॉलेजेस से वगैरह कोर्स पढ़ रहे हैं, तो एक ने बताया कि भाई मैं इंग्लिश लिटरेचर वगैरह में पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, एंड दिस चॉइस वॉज आउट ऑफ माई पैशन, द फैकल्टी इज वेरी गुड एंड इज वेरी सपोर्टिव, तो आप देख सकते हैं फैकल्टी अभी बहुत ही अच्छी है। द करिकुलम इज फाइन, सिंस इट इज अ लिटरेचर इट इज नॉट सो डायनेमिक एज कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट, तो उस बच्चे ने बता रखा है कि उसका कोर्स उसको कैसा लगता है, ये सब चीजें उसने बता रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे उसने 5 out of 5 stars दिए हैं। वही अगर हम देखें वैल्यू ऑफ मनी का कई बच्चे पूछ रहे थे कि इसका मतलब क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ मनी होता है कि जिस हिसाब से उनकी फीस होती है तो क्या वो अच्छी, मतलब जैसे आपके 10,000 फीस है तो जो 10,000 फीस है आपकी तो वो आपको इतनी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो 10,000 के कैपेबल है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो माई कोर्स कॉस्ट अराउंड 10,000 पर ईयर, इट इज डेफिनेटली वर्थ इट, इनफैक्ट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट वी आर गेटिंग फॉर दिस अमाउंट इज कमेंडेबल, इट गिव्स एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट अक्रॉस ऑल बैकग्राउंड्स। ऑल बैकग्राउंड्स का मतलब क्या है, यहाँ पे कास्ट वगैरह से कोई भी वो नहीं होता कि हम बोले डिस्क्रिमिनेशन करें, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, और आप बहुत बच्चों के यहाँ पे रिव्यूज वगैरह भी देख सकते हैं।
इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको बता दूं, अगर आपको पास कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी कमेंट्स, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना वीडियो को पॉज करके अपना खुद भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।